दिसंबर जी। अच्छा देखो ये क्या लिखा, विश्व शांति अहिंसा दिवस। तो आज क्या है बेटा, विश्व शांति अहिंसा दिवस, ठीक है। अच्छा अहिंसा क्या होता है बेटा, जानते हो क्या? अहिंसा नहीं पता ना, चलो बताते हैं। देखो पहले हिंसा समझो, हिंसा का मतलब होता है मार काट करना, लड़ाई झगड़ा करना, खून खराबा करना, अत्याचार करना, युद्ध होता है ना, युद्ध है ना, वो होता है हिंसा, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, अहिंसा मतलब कि शांति से रहना, भाईचारे से रहना, मिलजुल के रहना, आया समझ में? हिंसा मतलब तो मार काट, खून खराबा, हाँ, और अहिंसा मतलब शांति से रहना। अब आया समझ में? तो आज देखो विश्व शांति अहिंसा दिवस है, ठीक है बेटा। अब ये क्यों मनाते हैं बेटा, देखो लोग देखो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, मार काट करते हैं। पहले राजा लोग युद्ध करते थे बेटा अपने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे। और आजकल क्या होता है, देश आपस में लड़ाई करते हैं, या तो एक देश दूसरे देश से नफरत करता है या फिर अपने देश की सीमा को बढ़ाना चाहता है, इसलिए युद्ध होते हैं, ठीक है। अब युद्ध हो रहे हैं बेटा तो युद्ध के परिणाम कैसे निकलेंगे, लोग मरेंगे, खून खराब होगा, कटेंगे मरेंगे, नुकसान तो होगा ना बेटा। देखो दो देश जब लड़ते हैं ना, जैसे ये दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है, अब एक देश जीतेगा और एक हारेगा। माना कि ये देश जीत गया ये वाला और ये हार गया, तो जीतने वाले के भी तो सैनिक मरे, लोग मरे, मरे या नहीं मरे, हारने वाले के तो मरे, जीतने वाले के भी तो मरे होंगे, लोगों का भी नुकसान और धन का भी नुकसान, हथियार भी तो आते हैं, धन से आते हैं, होता है नुकसान, है ना। तो अब बेटा क्या होता है कि देश आपस में लड़ते हैं, अभी भी बहुत सारे देश लड़ते हैं, अब देश लड़ते हैं नुकसान तो होता है, लेकिन लोगों को अच्छा क्या लगता है, ये मार काट अच्छी लगती है या शांति से रहना अच्छा लगता है, शांति से रहना अच्छा लगता है ना। पहले तो देखो कैसे युद्ध होते थे, तलवार है ना, तीर कमान भाले और बंदूक भी और तोप भी, लेकिन आजकल आजकल तो परमाणु बम मिसाइल इनसे होता है ना, पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाती है, छोटे से छोटे देश के पास में भी बेटा इतने हथियार है कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, ऐसा समझ में? हमारा देश है ना बेटा आतंकवाद को पसंद नहीं करता है, हमारा देश शांति प्रिय देश है, जिसको शांति पसंद है, अहिंसा पसंद है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के पास में बहुत हथियार है, वो युद्ध पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो अपना बचाव तो करेंगे ना, करेंगे ना, इसलिए हथियार बना के रखते हैं। अब सोचो हम लोग इतना शांति पसंद करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास हथियार है, तो जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उनके पास कितना हथियार होगा, है ना। तो हमारे जो फर्स्ट जो युद्ध हुआ था ना बेटा, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध यानी कि पूरा विश्व, है ना, और दूसरा विश्व युद्ध, बहुत सारे देश तो जो चाहते हैं कि युद्ध करना ही है तो युद्ध किया, और बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त वाला जो देश होता है ना, अपना मित्र देश, उसका साथ देने के लिए युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला देश युद्ध कर रहा है, ये देश युद्ध कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमें युद्ध पसंद नहीं है, लेकिन हमारा जो मित्र देश है ना उसका साथ देने के लिए हमको युद्ध करना पड़ रहा है, तो इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, जोर से बोलो, नहीं परिणाम क्या निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं या खराब? युद्ध करने से तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे बेटा, है ना, कितनी पब्लिक मरेगी, कितने लोग मरेंगे, तो युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो पूरे देश में शांति के लिए जब दो विश्व युद्ध हो गए थे ना बेटा, तो सब लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि अगर तीसरा युद्ध होगा तो दुनिया ही नष्ट हो जाएगी ना। तो सबने क्या सोचा कि हम एक ऐसी संस्था बनाए कि पूरे विश्व में शांति का काम करे, ठीक है। बहुत सारे देश है ना मिल करके
क्या करते हैं, जैसे अपने ऑफिस में मीटिंग होती है ना, सब टीचर्स जाते हैं मीटिंग में फिर सलाह करते हैं, है ना, ऐसे ही एक ऑफिस में बैठ करके सारे देश के लोग, एक एक देश का एक एक मेंबर जाता है वहां पर, और विश्व में कैसे शांति लाई जाए, कहाँ कौन सा देश कौन सी समस्या खड़ी कर रहा है, उस पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो आज के दिन विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ऐसा बात है। अच्छा, शांति क्या अपन को एक ही दिन चाहिए क्या? अपन को हमेशा चाहिए शांति, है ना। तो केवल अपन को ऐसे नहीं है कि आज ही के दिन केवल शांति की बातें करें, हाँ शांति की अहिंसा की बात तो हमें रोज ही ध्यान में रखनी है, रखनी है ना बेटा, आया समझ में। अब देखो इस चित्र में ये क्या बेटा, कबूतर है, हाँ? तो इसमें ये सफेद कबूतर है बेटा, सफेद कबूतर। कबूतर देखो कभी भी ना हिंसक नहीं होता है, किसी को मारने काटने वाला नहीं होता है, शांति पसंद करता है, और सफेद रंग तो अपना शांति का प्रतीक है, तो सफेद कबूतर होता है ना बेटा शांति का प्रतीक होता है, शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है, आया समझ में। अच्छा लगा, एक बार कभी बताओ।